Welcome back, dear students. In geography, also we have online classes, and here we are discussing polity. आज जैसा कि आपने देखा कि आपको मॉर्निंग में वीडियोस नहीं मिले, थोड़ा सा समस्या कुछ आ गई थी, मुझे थोड़ा जरूरी काम से निकलना पड़ा और इतना समय नहीं मिल पाया कि मैं आपको उसके बारे में सूचित कर पाऊँ, इसलिए आपको उसके बारे में पहले से सूचना जैसा कि आपको मिल जाती है वैसे भी नहीं मिल पाई इस बार, ठीक है, तो उसके लिए मुझे खेद है। लेकिन शाम को जैसे ही मुझे वक्त मिला मैंने इस पर फेसबुक पर अपलोड कर दिया था कि ये आज वीडियो आपको जो है इवनिंग में मिलेगा, ठीक है। तो अभी मैं शाम को लगभग 7 से 8 बजे मैं लगभग अपने गंतव्य तक पहुँचा हूँ, तो उसके बाद फिर आपके लिए वीडियो तैयार हुआ है। तो हो सकता है कि आज एक ही वीडियो आपको मिले और कल आई 2-3 वीडियो आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो आज देखेंगे कि हम इसमें चर्चा कर रहे हैं आपके पॉलिटी के अंतर्गत राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं इसमें राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं। तो आपातकालीन शक्तियों में हमने 2 शक्तियों के बारे में चर्चा कर ली, जो कि एक राष्ट्रीय आपात की बात थी जिसको आर्टिकल 352 के अंतर्गत हमने देखा, और साथ ही साथ हमने चर्चा की उसमें राष्ट्रपति शासन के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 356 के अंतर्गत और 365 क्या है उसके अंतर्गत हमने जो आपका राष्ट्रपति शासन था उसके बारे में चर्चा कर ली। तो जो प्रेसिडेंट रूल था वो काफ़ी विवादित था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी आप ऐसा ना समझें कि प्रेसिडेंट रूल आपका यहीं समाप्त हो जाता है, बल्कि क्या होता है प्रेसिडेंट रूल ये बस आपको बताया गया, ये आपने जाना है बस। अभी इससे संबंधित कई और पहलू हैं जिनको हम जब डिस्कस करेंगे राज्यपाल गवर्नर, तो उस समय हम आपको उन चीज़ों को थोड़ा सा लेंगे, ठीक है। और कुछ विवाद इत्यादि भी हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश का विवाद है तो वो क्या है, और करंट में जो भी मतलब चीज़ें रही हैं उनको रिलेट करके देखते हुए फिर आगे चलेंगे। तो वो काफ़ी एक लंबा टॉपिक आपका है और आजकल देखा जाए तो काफ़ी ट्रेंड में है और काफ़ी लगातार न्यूज बना रहता है, तो इसलिए ये लगातार आप समझ लें कि क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ सिर्फ मतलब आपके मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सिर्फ सिर्फ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पोर्शन आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये हम एक बार और फिर देखेंगे उसको राष्ट्रपति शासन को। अभी हमने बस समझा कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है और उससे जो संबंधित एक आपका केस था SR जो बुम्बई बनाम भारत संघ का जो केस था 1994 वाला, उसको भी हमने देख लिया था। तो इस प्रकार से हमने विभिन्न डायमेंशन को कवर किया। अब जो हमारा आखिरी पार्ट है आपके राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों की इमरजेंसी प्रोविजंस की, जो आखिरी पार्ट है वो हमारा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, मतलब कि वित्तीय आपातकाल, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे वित्तीय आपातकाल पर, और इसी के साथ ही हम जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, बोले तो खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि राष्ट्रपति की जो वित्तीय आपातकालीन शक्ति है फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ये शक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत इंट्रोड्यूस की गई, तो आप देखेंगे आर्टिकल 360, ये जो आर्टिकल आपके सामने है इस आर्टिकल के अंतर्गत आपके राष्ट्रपति की जो वित्तीय आपातकालीन शक्ति है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बहुत छोटा सा, इसमें कोई विवाद ऐसा सच नहीं है, जैसा कि आपने देखा आपने प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत देखा उसमें काफ़ी विवाद थे, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंतर्गत ऐसे ऐसा कोई विवाद नहीं है। और आपने देखा कि राष्ट्रीय आपातकाल जब आपने पढ़ा तो उसमें बस एक विवाद अगर छोड़ दिया जाए जो कि इंदिरा गांधी के समय हुआ था, तो उसके बाद ऐसा कोई इसमें भी विवादित कोई बात नहीं रही है, क्योंकि युद्ध इत्यादि बाहर आक्रमण इत्यादि और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में तो वो जाहिर सी बात है वो उसको लगाना जाना ही चाहिए। लेकिन आपने देखा कि इंदिरा गांधी के समय में किस प्रकार से वो एक मतलब प्रदर्शन को आधार बनाते हुए, ठीक है, किस प्रकार से कोई इमरजेंसी लागू किया गया था, तो इस प्रकार से वो विवाद का समय मुद्दा रहा है। लेकिन उसके बाद देखें तो उसके बाद से फिर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो विवादित नहीं रहा है। अब बात करें वित्तीय आपातकाल की, तो इसमें भी विवाद मतलब आपको नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ये दोनों ही उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जो इंपॉर्टेंट मेन है आपके राष्ट्रपति आपातकाल में, आप ध्यान रखेंगे हमेशा से कि वो प्रेसिडेंट रूल है, राष्ट्रपति शासन है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि इनमें जो इनके आर्टिकल हैं, किन आर्टिकल्स में इनके बारे में बताया गया है, इनके बारे में चर्चा की गई है, उन आर्टिकल्स को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको मिलान करने के लिए ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, तो हम बात करें अगर आर्टिकल 360 की, तो इसमें किस बारे में मतलब वित्तीय आपातकाल को किस प्रकार से कहा गया है। तो कहा गया कि यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाए कि भारत की वित्तीय साख या वित्तीय स्थायित्व खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मतलब देखिए, वित्तीय साख का मतलब होता है कि फाइनेंशियल क्रेडिट, मतलब जो एक प्रकार से जो होता है ना कि आप एक व्यक्ति, मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, तो उसमें आपको लगता है कि मतलब आपके भी कुछ, आपका भी कुछ एक मान सम्मान होगा, ठीक है, आपकी एक कुछ एक स्थान होगा समाज में, आपका एक स्थान होगा, ठीक है। तो अगर अगर हम देखें एक वित्तीय साख के बारे में, मतलब आपकी एक साख होगी, होता है ना कि बहुत मतलब इनकी साख बहुत बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में, ठीक है, इनकी एक पहुंच बहुत बड़ी है, पहचान बहुत बड़ी है, अगर इस तरह की बात करें तो एक सामाजिक स्तर पर बात करते हैं। लेकिन अगर हम इसी के वित्तीय स्तर पर बात करें,
इनके पास पैसे की इत्यादि की कमी नहीं है, पैसे इत्यादि बहुत मतलब समृद्ध हैं, मतलब काफ़ी अच्छे अमाउंट में इनके पास धन इत्यादि मौजूद है। अगर इस प्रकार के हम वित्तीय स्थिति को लेकर वो बात करें तो उस समय अगर हमें दिखता है, मान लीजिए हम अपने देश के बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इसमें हमें ये दिखा मतलब दिखाई देता है कि भारत की जो वित्तीय स्थिति, मतलब भारत के ऊपर किसी का कर्ज इत्यादि है तो या है या नहीं है, या फिर भारत ने किसी कर्ज दे रखा है, भारत में जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कैसा है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, और कर्मचारियों को वेतन देने इत्यादि के लिए पैसे हैं या नहीं है, ठीक है, व्यापार इत्यादि करने के लिए पैसे हैं या नहीं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि पैसे इत्यादि संबंधित, मतलब वित्तीय व्यवस्था जो भारत में चल रही है, ठीक है, चाहे वो दूसरे दूसरे व्यापार इत्यादि का हो, चाहे अपने कर्मचारियों को वेतन इत्यादि देने का, जो बातें विभिन्न प्रकार की हैं, और साथ साथ अपने जो नागरिक हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाए रखने, जारी रखे रखने के लिए जो धन इत्यादि की जरूरत पड़ती है, वित्त इत्यादि की जरूरत पड़ती है, अगर इस प्रकार की स्थितियाँ मतलब सही हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी वित्तीय आपातकाल नहीं आएगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि भारत के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे ना रहें, ठीक है, विदेशों के से तो आप मतलब उधार लेने की बात छोड़ दीजिए, मतलब पैसे लेने की बात छोड़िए, क्योंकि उस समय मान लीजिए ऐसी स्थिति अगर आ जाती है कि विदेशों से भी विभिन्न प्रकार के देश इत्यादि जो है भारत को पैसे देने से मना करने के, क्योंकि ऐसा डर है कि कहीं भारत पैसे देने में चूक ना कर दे, क्योंकि भारत की स्थिति इस समय उतनी अच्छी वित्तीय रूप से नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, क्योंकि अपने कर्मचारियों के वेतन इत्यादि को ही वो देने में समर्थ नहीं है, और उनके वेतन इत्यादि को देने के लिए ही वह उधार मांग रहा है, तो इससे आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति होगी वह, जिस समय भारत जैसा एक देश अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए दूसरे देश से उधार ले, ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति मतलब अगर वित्तीय स्थिति गड़बड़ हो जाती है और जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये सब चीज़ें अगर नहीं सही रहती हैं, और मतलब जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो लगातार बढ़ती चली जाती है, तो इस प्रकार की स्थितियाँ आती है तो इसे हम कहते हैं वित्तीय आपातकाल। जैसे कि अगर हम एक देखिए लागू तो नहीं किया गया था, लेकिन अगर हम बात करें तो जो आप 1991 में जो आपका एलपीजी मॉडल आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का, तो देखिए इस मॉडल को लाने का एक पीछे बहुत ही बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि उस समय भारत का मुद्रा कोष बिल्कुल खाली हो चुका था, ठीक है, मतलब विदेशी मुद्रा कोष जो आपका फॉरेक्स रिजर्व होता है वो पूरी तरह से खाली हो चुका था, और दूसरे देशों से व्यापार करने के लिए भारत पास पैसे नहीं बचे थे, और साथ ही साथ अपने देश के मतलब देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को रोकना पड़ा था, और कर्मचारी इत्यादि को वेतन देने में भी समस्याएँ यहाँ पे उत्पन्न होने लगी थी, 1991 की बात कर रहा हूँ मैं, और इस समय बहुत ज़्यादा समस्याएं बढ़ गई थी, इसलिए आप देखेंगे कि तब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को थोड़ा खोल दिया, ठीक है, अर्थव्यवस्था को खोलने का मतलब क्या है कि विदेशी कंपनी इत्यादि को भारत ने आमंत्रित किया कि आइए हमारे देश में निवेश करिए, ठीक है, उत्पादन करिए, रोजगार इत्यादि दीजिए, तो उससे क्या हुआ, जब विदेशी कंपनियां आपके देश में आएंगी निवेश करेंगी तो फिर वो विदेशी मुद्राएं भी लेकर आएंगी, तो उससे क्या होगा, फिर आपकी वित्तीय स्थिति धीरे धीरे सुधरनी सही हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि 1991 के बाद से जो हमने एलपीजी मॉडल को अपनाया तो उसके बाद से चीज़ें जो है हमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार हम मतलब वृद्धि दर्ज करते गए और लगातार हमारी जो ग्रोथ रेट रही वो बढ़ती रही बढ़ती रही, और आज आप वर्तमान में देखते हैं कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, मतलब दुनिया में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इस प्रकार से देखेंगे कि चीज़ें बदल जाती हैं। तो उस समय स्थितियाँ ऐसी थीं कि हमें एक वित्तीय आपातकाल की स्थिति का सामना करना पड़ सकता था, और उसी केस में हमने देखा कि एलपीजी मॉडल को हमने अपनाया और चीज़ें फिर हमारी सही होने लगी, ठीक है। तो देखिए वित्तीय साख मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खींच दिया इसको, लेकिन असल में आप देखेंगे तो वित्तीय साख सीधे सीधे अगर शब्दों में समझें तो वही है कि जब पैसे इत्यादि की कमी हो जाए तो और कर्मचारी इत्यादि को वेतन देने इत्यादि की व्यवस्था न रह जाए, अब कोई भी देश भारत को ऋण इत्यादि देने से थोड़ा सा मना करने लगे कि नहीं आपकी साख जो है वित्तीय साख सही नहीं है, आप ऋण लेंगे तो उसे चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, अगर इस प्रकार की स्थितियाँ पैदा हो जाती तो फिर हम कहेंगे एक वित्तीय आपातकाल की स्थिति भारत के सामने आ गई है, ठीक है। जैसे अगर हम अभी रिसेंटली बात करें ग्रीस की, तो ग्रीस क्राइसिस का के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसमें कि एक दिवालिया देश घोषित कर दिया गया, और ठीक है, और एक पहला ऐसा मतलब मौका है जब एक विकसित देश, ठीक है, दिवालिया घोषित किया गया, ठीक है, तो एक ग्रीस क्राइसिस जो था तो वहाँ पे कहेंगे देखा तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति वहाँ पे थी। तो ये बस सिंपल सी बात यह है कि यदि राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है कि वित्तीय साख भारत की जो है ये अब उतनी सही नहीं रहेगी या फिर खतरे में है, और इसको इस पर जो है सुधार करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो इसके बाद कोई भी देश भारत में निवेश करने या फिर भारत को कर्ज इत्यादि देने से कतराएगा, ठीक है, तो यहाँ पे भारत की वित्तीय साख या वित्तीय स्थायित्व तो खतरे में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। देखिए वित्तीय आपात की घोषणा करेगा अगर राष्ट्रपति, उससे क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है भाई, अगर स्थितियाँ खराब है तभी तो वित्तीय आपात की घोषणा की जाएगी। अब मान लीजिए वित्तीय आपात की घोषणा कर देगी तो किस प्रकार से जो स्थितियाँ खराब है उनको किस प्रकार से जो है
संभाला जाएगा वित्त आपातकाल के जरिए, मतलब वित्तीय आपातकाल के जरिए किस प्रकार से इस चीज़ को संभाला जाएगा, इसी बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मतलब क्या क्या कदम उठाए जाते हैं वित्तीय आपातकाल में, जैसा कि आपने देखा राष्ट्रीय आपातकाल में विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकार इत्यादि निलंबित कर दिए जाते हैं, और राष्ट्रपति शासन में आपने देखा कि भी एक प्रकार का था, मतलब प्रांत में अगर देखें तो जो सरकार इत्यादि उसको निलंबित कर दिया जाता है, उससे बर्खास्त कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के माध्यम शासन चलाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वित्तीय आपातकाल में आखिर वो क्या कदम है जिसके जो उठाए जाते हैं इसको क्या करने के लिए, इससे निपटने के लिए, ठीक है। तो आइए बात करें, हमने देख लिया आर्टिकल 360 क्या है, बात करें अवधि कितने समय तक ये वित्तीय आपातकाल लागू रह सकता है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा अगर करें तो यहाँ पे लिखा, यदि संसद के दोनों सदन 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से, ध्यान रखेंगे कि साधारण बहुमत से राष्ट्रपति की घोषणा का अनुमोदन कर दें, कि राष्ट्रपति ने अगर मान ली घोषणा किया कि भाई वित्तीय हमें ऐसा लगता है कि वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो गई है तो हम यहाँ पे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, अगर वो जो घोषणा किया राष्ट्रपति महोदय ने उस घोषणा को अगर संसद के दोनों सदन 2 माह के भीतर साधारण बहुमत से अगर क्या कर दें अनुमोदित कर दें तो राष्ट्रपति की घोषणा तब तक लागू रहेगी जब तक राष्ट्रपति उसे वापस ना ले, मतलब अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं। इसका मतलब यह है कि एक बार अगर राष्ट्रपति ने वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर दी तो फिर संसद के दोनों सदनों ने अगर उसे 2 माह के भीतर ही साधारण बहुमत से क्या कर दिया, अनुमोदित कर दिया, पारित कर दिया, तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद होगा ये कि अब वो बात वित्तीय आपातकाल को खत्म करने या ना करने की बात जो है जिम्मेदारी जो है अधिकार जो है पूरी तरीके से किसके ऊपर आ गया, राष्ट्रपति के ऊपर। अब राष्ट्रपति जब तक चाहे, ठीक है, मतलब इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो चाहे तब तक चाहे वो जब तक चाहे तब तक के लिए वो इस आपातकाल को जो है जारी रख सकता है, ठीक है, और वो जब चाहे तब उसे वापस ले सकता है। तो अब ये बात आ जाती है राष्ट्रपति के ऊपर, तो ध्यान रखेंगे 2 माह के भीतर अगर संसद राष्ट्रपति की घोषणा का अनुमोदन कर देती है तब क्या होता है, फिर राष्ट्रपति के ऊपर वो बातें चली जाती है, राष्ट्रपति के अधिकार में वो बात आ जाती है कि अब ये वित्तीय आपातकाल कब तक लागू रहेगा, ठीक है, कब तक चीज़ें चलेंगी, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। चलिए हमने देख लिया आर्टिकल 360 क्या है, इसकी मतलब टाइम पीरियड कितना रहेगा आपने देख लिया इसको। अब हम बात करें वित्तीय आपातकाल के प्रभाव, देखिए वही प्रभाव का मतलब सीधे सीधे वही है कि आप इतना समझ लें कि जो तरीके हैं कि क्या तरीके अपनाएंगे आप, ठीक है, इन इस स्थिति से निपटने के लिए, उस तरीकों के बारे में थोड़ा सा चर्चा यहाँ पे हम करेंगे उसी प्रभाव के माध्यम से। तो बात करेंगे तो देखिए केंद्र द्वारा राज्यों को वित्तीय आश्रय के संबंध में निर्देश दिए जा सकते हैं, ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो वित्तीय क्रियाकलाप जो आपका केंद्र करता है राज्य भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो कैसे करते हैं वो, विभिन्न प्रकार के जो टैक्सेस पे किए जाते हैं चाहे कॉरपोरेट कंपनीज के द्वारा हों या फिर आपके द्वारा हों, ठीक है, जो टैक्सेस पे किए जाते हैं वो टैक्सेस देखा जाए तो इनडायरेक्टली तो जनता के ही पैसे होते हैं, तो इन पैसों से क्या करते हैं वो अपने वित्तीय असर को अंजाम देते हैं। तो मान लीजिए अगर वित्तीय आपातकाल की घोषणा अगर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कर दी जाती है तो फिर ऐसी स्थिति में केंद्र द्वारा मतलब केंद्र राज्यों को कह सकता है कि देखिए वित्तीय आपातकाल लागू है इस समय और आप लोग देखिए ये कार्य मतलब इस जो कोई वित्त से संबंधित अगर कोई कार्य होगा तो उसमें जो केंद्र राज्यों को कह सकता है कि आप ये कार्य करें या ना करें, तो उसमें मना इत्यादि कर सकता है, मतलब उनके बजट इत्यादि को भी नियंत्रित कर सकता है कि ठीक है पैसे से थोड़ा कम खर्च करें और आपातकाल की वित्तीय आपातकाल की स्थिति है तो थोड़ा इसमें आप खर्च इत्यादि पर थोड़ा से नियंत्रण रखें, तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही जा सकती हैं केंद्र के द्वारा राज्यों को, ठीक है, राज्यों को वित्तीय सलाह दी जा सकती है कि नहीं, देखिए सलाह नहीं बल्कि निर्देश दे सकते हैं कि आपको ऐसे करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जो वित्तीय आपातकाल हमारे सामने है हम इसे निपटने में सक्षम नहीं रहेंगे। दूसरी बात करें तो राज्यों के धन विधेयक को राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। देखिए धन विधेयक एक ऐसा मतलब विधेयक होता है जिसके माध्यम से किसी भी योजना इत्यादि के लिए धन निकालने की स्वीकृति जो है ली जाती है, ठीक है, विधायिका के द्वारा। तो ऐसी जब स्थिति आएगी तो मान लीजिए कोई धन विधेयक अगर राज्यों के द्वारा मतलब लाया गया राज्यों के विधानसभाओं में तो उस धन विधेयक को स्वीकार करने के लिए क्या किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा उसे राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है कि राष्ट्रपति इसे विचार करेंगे क्योंकि इसमें वित्तीय आपातकाल लागू है और ये जो विधेयक आपने पारित किया एक धन विधेयक है तो धन विधेयक से वित्त से संबंधित है तो इसलिए इसको हामी दी जाए इस पर हामी भरी जाए या नहीं भरी जाए इसको पारित किया जाए या नहीं किया जाए ये बात आप बताएंगे हमारे राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। तो ऐसे विचार करने के लिए वो राष्ट्रपति के लिए वो विधेयक क्या कर दिया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा आरक्षित कर दिया जा सकता है कि मतलब वो राष्ट्रपति के पास वो विधेयक भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति अगर उसे अप्रूव करेंगे तब वो फिर विधेयक जो है धन विधेयक क्या होगा आपका पारित होगा तभी राज्य उसमें जो अपना उनका कोष होता है मुद्रा कोष होता है उससे धन निकालने की स्थिति में होंगे और अगर राष्ट्रपति महोदय उसको विधेयक धन विधेयक पर रोक लगा देते हैं तो फिर वो पारित नहीं होगा तो फिर वो धन इत्यादि की निकासी नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से जो वित्तीय आचरण है उसे देखेंगे आप कि किस तरह से कंट्रोल इत्यादि किया जा रहा है। और अगर बात करें तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन राष्ट्रपति के द्वारा कम किया जा सकता है, मतलब अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कल को आप IAS बनते हैं
आईपीएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, कुछ इस प्रकार के अगर आप गवर्नमेंट अधिकारी बनते हैं और आपके समय में अगर मान लीजिए कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा की जाती है, क्योंकि 5 साल रहेंगे रामनाथ कोविंद, तो 5 साल में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मतलब 2-3 साल जो भी आपकी तैयारी समय लगे उसके अंतर्गत आप इस प्रकार की स्थिति में अगर होंगे, तो फिर मान लीजिए कि आपातकाल की घोषणा की जाती है वित्तीय आपातकाल की, तो फिर रामनाथ कोविंद को अगर लगता है कि नहीं जो आईएएस हैं या फिर आईपीएस हैं, ठीक है, इनके वेतन बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको वेतन क्या कर सकते हैं, वो कटौती कर सकते हैं उसमें, ठीक है, वेतन कम किया जा सकता है अगर वित्तीय आपातकाल की स्थिति हो। इसमें ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति का वेतन कम हो सकता है, ऐसा क्यों? देखिए दरअसल बात ये है ना कि जो आर्टिकल 360 है इसमें कहीं भी ये नहीं बताया गया कि राष्ट्रपति का वेतन कम हो सकता है या नहीं कम हो सकता है, ठीक है, तो मतलब हम ऐसा मान चलेंगे कि राष्ट्रपति का वेतन भी कम हो सकता है, क्योंकि नहीं कम करने के बारे में आर्टिकल 360 में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया गया है, तो ऐसा मान चलेंगे कि राष्ट्रपति का वेतन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। किसके द्वारा कम किया जा सकता है? जाहिर सी बात है मंत्रिपरिषद के द्वारा, ठीक है, तो मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति का वेतन क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। अब देखिए अगर राष्ट्रपति वेतन कम करने की बात करें तो हमारे पास जीते जाते तो नहीं कहेंगे, लेकिन दो एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे रहे हैं जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद की बात करें या फिर APJ अब्दुल कलाम की बात करें, इनके जैसे अगर राष्ट्रपति हमारे देश में होंगे तो फिर इस तरह के निर्णय मतलब लिए जा सकते हैं कि राष्ट्रपति के वेतन को भी कम कर दिया जाए। तो आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद बस नाम मात्र मतलब वेतन लेते थे, अब APJ अब्दुल कलाम तो 1 रुपये साथ वेतन लेते थे, बस 1 रुपये में ही इन्होंने अपने मतलब पूरे पद पे बने रहने के दौरान वेतन के रूप में 1 रुपये को स्वीकार किया, ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें हमारे सामने अगर रहेंगी, इस प्रकार राष्ट्रपति अगर रहेंगे तो इस प्रकार की स्थितियाँ भी मतलब हो सकती हैं, जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का वेतन खुद ही कम कर दिया जाए, ठीक है, तो इस प्रकार की भी बातें हमारे सामने आ सकती हैं अगर इस प्रकार के राष्ट्रपति हमारे देश में। अब देखिए कुछ आपातकालीन शक्तियों की आलोचित आलोचनाओं पर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, उसके बाद हमारा जो वित्तीय आपातकाल ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे अगले अपने वीडियो में देखेंगे राष्ट्रपति की स्थिति क्या है और कुछ राष्ट्रपति के विवेकाधिकार की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जान लेंगे आप विवेकाधिकार की शक्तियाँ क्या हैं, तो उसमें फिर आपको चीज़ें आंसर फ्रेम इत्यादि करने में काफ़ी आसानी होगी। बात करें अगर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की जो आलोचनाएं हैं वो आलोचनाएं किन आधारों पर की जाती हैं, तो सबसे पहली जो बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है आपकी, वो ये है कि संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ संघात्मक व्यवस्था के विरुद्ध हैं, राज्य की विभिन्न शक्तियाँ केंद्र के सीधे नियंत्रण में आ जाती हैं और संघात्मक व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। देखिए जब एक राष्ट्रपति जो महोदय हैं अगर राष्ट्र ये आपातकालीन शक्तियों का अपना प्रयोग करते हैं, उसमें अगर ये प्रयोग करते हैं आपके राष्ट्रीय आपातकाल का या फिर राष्ट्रपति शासन का प्रयोग करते हैं या फिर वित्तीय आपातकाल का प्रयोग करते हैं, तो जो मेन बात हम करें अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें अगर हम, तो उसमें जाहिर सी बात है कि बिल्कुल पूरा आपकी जो अभी पूरी संघात्मक जो व्यवस्था है पूरी से एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और जो राष्ट्रपति शासन होता है उसमें भी केंद्र का के द्वारा आपके प्रांतों के विभिन्न प्रकार के कार्यों को कार्यपालिका विधायक इत्यादि के कार्यों को क्या कर लिया जाता है, उसको समय के लिए अपने पास अधिग्रहित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो एक संघात्मक जो व्यवस्था है, ठीक है, उसमें आप बात करें चाहे वित्तीय शक्तियों के बारे में भी बात करें, तो इस प्रकार की स्थिति हमें दिखाई देती है जिसमें कि वित्तीय शक्तियों में आपके वित्तीय क्रियाकलापों से जो संबंधित जो कार्य हैं प्रांतों के उसके द्वारा और वो केंद्र के द्वारा दिशा निर्देशित किए जा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे केंद्र का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। तो जो मेन बात यहाँ पे हम देखें राज्यपाल का जो शासन होता है मतलब कि राष्ट्रपति जो शासन होता है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो विभिन्न प्रकार के जो कार्यपालिका विधायक के जो कार्य होते हैं शक्तियाँ होती हैं वो शक्तियाँ सीधे केंद्र के नियंत्रण में चली जाती हैं। तो इस प्रकार से एक संघात्मक व्यवस्था के विरुद्ध एक एकात्मक व्यवस्था यहाँ पे बन जाती है, जो कि कहीं ना कहीं जो है मतलब ये आपकी जो मूलभूत अवधारणा है उसका कहीं ना कहीं क्या करता है, ये विरोध करता है। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था जो क्या होती है ये आपके विरुद्ध है किसके, मतलब एकात्मक व्यवस्था जो किसके विरुद्ध है आपके संघात्मक व्यवस्था के, और ये एकात्मक व्यवस्था कब आती है, जब राष्ट्रपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। दूसरे मुद्दे में बात करें तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के कारण निरंकुशता जन्म ले सकती है, विशेषकर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन निरंकुशता का मतलब यहाँ पर यह है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उसमें आप देखेंगे कि जो मौलिक अधिकार आपके हैं, ठीक है, वो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जैसे आर्टिकल 19 में तो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, और इसके बाद जो अन्य मौलिक अधिकार वो राष्ट्रपति के संस्तुति पर निलंबित किए जाते हैं। तो जब आपके पास ऐसा देखेंगे तो आपके पास कुछ अधिकार रह नहीं जाते हैं। आर्टिकल 19 में जो आप देखेंगे तो विचार व्यक्ति इत्यादि के जो अधिकार आपके हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब ये देखा जाता है कि लोगों को आप कुछ कहने से, कुछ मतलब आपको बताने से या फिर आपकी आपको आईना दिखाने से आप क्या कर देते हैं, रोक देते हैं कि आपके पास ये अधिकार ही नहीं है तो आप इनका प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो वो लोगों को किसी प्रकार से क्या करते हैं, एक
मतलब हथियार विहीन कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो निरंकुशता यहाँ पर जन्म ले सकती है, इस प्रकार की आलोचना, मतलब इस प्रकार के मुद्दे पर इसकी आलोचना की जाती है। और अगर बात करें हम तो व्यवहार में राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग दलीय हितों को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि जो हमने 1978 की बात की, 1980 की बात की, जब हमने जनता पार्टी के समय की बात की और साथ ही साथ इंदिरा गांधी के समय की बात की, तो उसमें हमने देखा किस प्रकार से दलीय राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए मतलब इस प्रकार के कदम उठाए गए थे। और साथ ही साथ वर्तमान में भी स्थिति आप देखेंगे कि अगर केंद्र में कोई सरकार रहती है और किसी प्रांत में अगर जरा सी भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आती है, तो वो केंद्र की सरकार तुरंत जो देखते हैं कि मतलब उसमें अपना कहीं ना कहीं अपना मतलब जगह बनाने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं अपने तरीके से सरकार बनाने की कोशिश करती है। भले ही उसके विधायक इत्यादि, MLA इत्यादि की संख्या पर्याप्त न हो, वो जो गवर्नमेंट मतलब सरकार में जो आपकी पार्टी है उसके विधायकों को तोड़ने इत्यादि का भी कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दलीय राजनीति से जो है प्रभावित होता है आपका ये राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो इसका राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग दलीय हितों को पूरा करने के लिए भी किया जाता है। इस आधार पर भी इसकी क्या की आलोचना की जाती है। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता भंग हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। राज्य कौन से वित्तीय क्रियाकलाप करेंगे वित्तीय आपातकाल के दौरान, केंद्र द्वारा क्या होता है, ये दिशा निर्देशित होता है। तो कहीं ना कहीं जो वित्तीय स्वायत्तता है इनकी वो भंग हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो तीनों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हमने उससे चर्चा कर ली, और हमने फिर लास्ट में ये भी देख लिया कि आपातकालीन शक्तियों की आलोचनाएँ क्या है। वैसे हमने बाकी राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन इन दोनों में थोड़ा थोड़ा चर्चाएँ की थी आलोचनाएँ इत्यादि पर। तो एक हमने छोटा सा सार के तौर पर हमने देख लिया कि क्या आपातकालीन शक्तियों की आलोचनाएँ हैं। तो हमने मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों ही जो आपातकालीन शक्तियाँ थी राष्ट्रपति को ये समझ में आ गए होंगे, और कुछ बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आप बिल्कुल आसान से एक सरकारी निगाह से चीज़ों को देख लें। और जहाँ तक बात राष्ट्रपति शासन की है, तो इसको हम भी एक बार फिर से देखेंगे जब राज्यपाल चर्चा हम करेंगे, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे आप लगातार इस पर नज़र बनाए रखें। अगर इस प्रकार की स्थिति किसी भी राज्य में होती है तो उत्पन्न होती है, तो उसे आप जरूर से जरूर मतलब लगातार उससे अपडेट होते रहें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं। उसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और शायद वो वीडियो आपको कल से मतलब कल वीडियो मिले, और शायद कल आपको 4-5 वीडियो तो एक दो वीडियो एक्स्ट्रा आपको मिल जाए, क्योंकि आज आपको वीडियो कम मिले हैं, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।